गाइज, रेजर ने अपना न्यू लैपटॉप लॉन्च किया है जो कि है रेजर बुक 13। आज की इस वीडियो में आपको उसके कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ, प्राइसिंग क्या होने वाली ये बताने वाला हूँ, सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, 2016 में रेजर ने अपने फर्स्ट ब्लेड स्टील्थ लैपटॉप लॉन्च किए थे, जिसमें आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट मिलता था अपना ग्राफिक्स कार्ड इंसर्ट करने का, जिससे कैसे आपको एक पोर्टेबिलिटी मिलती थी, आपका लैपटॉप ज़्यादा हैवी नहीं होता था, जिसको आप इजीली कैरी कर सकते थे हर जगह। तो कैसे आपको ग्राफिक्स कार्ड इंसर्ट करने के लिए रेजर की कोर एक्सेसरीज आती हैं, आपको उसको यूज़ करना पड़ता था, जिससे आप इजीली अपने ग्राफिक्स कार्ड जीपीयू वगैरह को इंसर्ट कर सकते थे। सो गाइस, ऐसी सेम टेक्नोलॉजी यूज्ड हुई है रेजर बुक 13 में, जिसमें आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट मिलने वाला है, जो कि आप वाया रेजर कोर एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हैं अपने ग्राफिक्स कार्ड वगैरह को यूज़ करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा पोर्टेबिलिटी के लिए। तो गाइस, ये सब होने वाले हैं रेजर बुक 13 में। सो गाइस, स्पेसिफिकेशन और प्राइस की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेजर का ये पहला लैपटॉप होने वाला है जिसमें उन्होंने सिर्फ गेम पे ही नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी पे भी फोकस किया है। जी हाँ गाइस, आप इस लैपटॉप को मोर देन गेमिंग प्रोडक्टिविटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, आप म्यूजिक वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं इसे। सो गाइस, ये पहला लैपटॉप होने वाला है रेजर का जिसमें उन्होंने सिर्फ गेमिंग पे ही नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी पे भी फोकस किया है। सो गाइस, ये बात थी हमारे रेजर के सारे फैक्ट्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर के मामले में। तो इसमें आपको मिलता है 11th जेन इंटेल कोर i7 या फिर i5, आप अपने हिसाब से मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। और ग्राफिक्स के मामले में बात करें तो इसमें मिलता है आपको इंटेल आयरिस XE ग्राफिक्स। डिस्प्ले के मामले में बात करें तो इसमें मिलता है आपको 13.4 इंच का डिस्प्ले। टच और नॉन टच मॉडल्स दोनों आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएंगे। मैट और ग्लॉसी फिनिश के साथ आती है ये डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 1920 विद 1200 या फिर 3840 विद 2400 का रिजोल्यूशन मिल जाएगा। रैम के मामले में बात करते हैं, इसमें मिलता है आपको 8GB या फिर 16GB वाले रैम ऑप्शंस, LPDDR4 रैम, उसमें भी आपको 256 और 512GB वाले सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे। पोर्ट्स के बारे में बात करें तो इसमें मिलता है आपको 2 थंडरबोल्ट 4 USB-C, 1 USB-A पोर्ट मिलता है आपको, 1 3.5 हेडफोन जैक भी मिलता है आपको इसमें, एक फुल साइज HDMI स्लॉट भी मिलता है आपको इसमें, और उसके साथ साथ आपको एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है। तो गाइस, इन सभी पोर्ट्स को देख के तो मुझे यही लगता है कि ये कंप्लीट प्रोडक्टिविटी लैपटॉप है। जहाँ पे पावर के मामले में बात करें तो इसमें आपको मिलती है 4602 mAh की बैटरी, और साथ ही साथ इसमें मिलता है आपको चार्ज करने के लिए 65 वॉट का अडाप्टर। सो गाइस, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, जितने की बैटरी उसके हिसाब से इसका अडाप्टर है, फास्ट भी चार्ज हो जाएगा और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी भी रहेगी इसकी। कीबोर्ड भी आपको RGB क्रोमा लाइटिंग वाली मिलेगी, जहाँ पे आपको टच बैड ग्लास का मिलेगा। कैमरे के मामले में बात करें तो इसमें मिलता है आपको 720p का वेब कैम, जो कि टॉप डिस्प्ले में होगा आपके। सो गाइस, वेट के मामले में बात करें तो जो नॉन टच मॉडल है इसका, जिसमें आपको टच डिस्प्ले नहीं मिलेगी, उसका वेट रहेगा 1.34 kg का, और जो टच मॉडल है जिसमें आपको टच डिस्प्ले मिलेगी ऑब्वियसली, वो आपको मिलेगा 1.4 kg का। सो गाइस, यही सारे कुछ स्पेसिफिकेशन थे। इसके प्राइसिंग के मामले में बात करते हैं तो गाइस, इसकी प्राइस होने वाली जो कि इसका बेस मॉडल है वो है 86,400। सो गाइस, ये जो प्राइस थी ये तो थी इसके बेस मॉडल के लिए, लेकिन इसके बाकी जो नॉन टच मॉडल उसके साथ टच मॉडल, उसमें भी आपको अलग अलग रैम और स्टोरेज वाले ऑप्शन मिलने वाले हैं, उसके लिए प्राइस आपकी बढ़ती जाएगी। सो गाइस, जो बाकी प्राइसिंग है वो तो आपको razer.com की साइट पे मिलेगी, जिसके लिंक मैंने नीचे डाल दिए, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं बाकी मॉडल्स की प्राइसिंग क्या होने वाली है। गाइस, अवेलेबल तो सारे हो गए हैं, आप इसे ऑनलाइन अभी ऑर्डर कर सकते हैं वही razer.com की साइट पे। तो गाइस, यही था कुछ वीडियो रेजर बुक 13 का, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मैंने बताया, कुछ फैक्ट भी बताए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको, आप कौन से फीचर रेजर बुक 13 के पसंद आए। दिस इज स्वप्निल यादव एंड आई एम साइनिंग आउट।